संगम नगरी प्रयागराज में जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां और तेज हो गई हैं। महाकुंभ में देश और विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आधारभूत ढांचा यानी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से तैयार किया जा रहा है। प्रयागराज शहर की सड़कों और चौराहों के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का जिम्मा प्रयागराज विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान के मुताबिक शहर की 40 सड़कों को स्मार्ट रोड के तौर पर विकसित किया जा रहा है। फिलहाल प्रयागराज विकास प्राधिकरण को 40 सड़कों के चौड़ीकरण और चौराहे के सौंदर्यीकरण का जिम्मा मिला है। इसके साथ ही जिन स्थानों पर ट्रैफिक को लेकर जाम की समस्या रहती है उन स्थानों को भी चिन्हित किया गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान के मुताबिक प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से तैयार की गई कार्ययोजना के मुताबिक 40 सड़कों का सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण के लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। इन सड़कों पर बिजली के तारों को भूमिगत किया जाएगा। इन कामों के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट भी शासन ने अलॉट कर दिया है। कुंभ के कार्यों के मद्देनजर 30 से 35 जंक्शन भी बनाए जाएंगे। PDA यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के VC के मुताबिक एयरपोर्ट से शहर को जोड़ने वाली सड़क पर भी काम तेजी से चल रहा है और इस सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग यानी PWD की तरफ से कराया जा रहा है। इस सड़क पर भी बिजली के तारों को एयरपोर्ट से लेकर IIIT तक चौराहे तक भूमिगत करवाया जा रहा है। सड़कों और चौराहों के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। महाकुंभ 25 को देखते हुए प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जो शहर के ब्यूटिफिकेशन को लेके और ट्रैफिक जो कंजेशन है उसको उस समय उसकी समस्याओं को लेके शहर पे एक विस्तृत प्लानिंग बनाया है और लगभग देखा जाए तो हम लोगों ने अभी 40 सड़कें ऐसी है जिसके वार्डनिंग के लिए उनके ब्यूटिफिकेशन के लिए और जो वहाँ पे यूटिलिटी है उसके शिफ्टिंग के लिए जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं जो पोल्स हैं उनको हटा के सब चीज़ें अंडरग्राउंड करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लगभग देखा जाए तो हमारी लगभग 40 योजनाएं हैं जो स्वीकृत हो चुकी हैं और इसके टेंडर भी फ्लोट हो चुके हैं और लगभग शासन द्वारा 400 करोड़ का बजट हम प्राधिकरण को अलाट हो गया, उससे हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। चौराहों का भी सौंदर्यीकरण, इसमें चौराहे भी हैं जो कि जो पुराने चौराहे हैं उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा और नए जंक्शन का भी इम्प्रूवमेंट हम लोग कर रहे हैं। तो लगभग 30 से लेकर 35 नए जंक्शन बनेंगे जहाँ पर ट्रैफिक की समस्या होती है उसका भी इम्प्रूवमेंट किया जाएगा ताकि कोई भी ट्रैफिक कंजेशन न रहे और महाकुंभ जो हमारा होने वाला उसमें किसी तरह का रोड को लेकर सड़क को लेकर कोई ऐसा इशू क्रिएट ना हो। एयरपोर्ट का एक हम रोड है उसको लेकर क्या तैयारी है? उसके लिए PWD डिपार्टमेंट है, वो उस पर कार्य कर रहा है, उनके विभाग द्वारा उसका आवंटन हुआ है और मेरे ख्याल से वो कार्य भी शुरू हो गया है। चौड़ीकरण सर किया जाएगा सड़कों का तमाम कुंभ को देखते हुए और जहाँ पे ट्रैफिक का इशू है और जहाँ पे हमारे ऐसे लोग हैं जो कि श्रद्धालु हैं जो आएंगे तो उनकी सुविधाओं को देखते हुए शहर की सुविधा को देखते हुए कुछ रोडें ऐसी हैं जिनका चौड़ीकरण किया जाएगा और उनको चौड़ीकरण ना करके उनका सुंदरीकरण किया जाएगा और स्मार्ट रोड के रूप में रोड बनाई जाएगी। UP News 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।